नित्य प्रतिवंदन करते हुए पूज्य श्री घेवरदास जी महाराज विराजी सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोट से वंदन करते हुए जो देश की सेवा की और अब वर्तमान में अपने परिवार का दायित्व और सामाजिक दायित्व संभालने के लिए आया है, इसमें एक नया इनका जीवन का प्रवेश हो रहा है। इस प्रवेश के पावन प्रसंग पर ये सत्संग का इतना सुंदर अवसर और ये अवसर अपन सब लोगों के लिए चेतना है। क्यों चेतना है कि जब व्यक्ति शुभ कार्य करे, शुभ कार्य के पश्चात अगर व्यक्ति का इस तरीके का आचरण जीवन में हो और कितने कितने लोगों को संत महापुरुषों की आप्तवाणी श्रवण करने का लाभ जिनके माध्यम से मिले, तो ये भी एक जीवन का पुरुषार्थ है। महापुरुषों ने चार पुरुषार्थ बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के लिए धार्यते धर्म है, जो धर्म है। कोई वस्तु को धारण किया जाता है, जैसे अंग वस्त्र है, उनको धारण किया है, ये हमारे शरीर को ढकने का धर्म हो गया। हमने प्रसाद को ग्रहण किया, ये धारण करने योग्य हुआ, यानी इस शरीर को हमने आहार दिया, शरीर को खड़ा रखने का एक उपक्रम दिया है। उसी अनुसार व्यक्ति के जीवन में पुण्य और पुरुषार्थ मिले, यानी हम धर्म परमात्मा इसके अंदर में भी, मेरा भगवान है, मेरा विष्णु इसके अंदर में भी है, ये इतना दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। जब दृढ़ निश्चय कैसा हो, प्रहलाद जी जैसा हो, तो जैसा ही दृढ़ निश्चय से उन्होंने कहा कि हाँ, इस खंभे के अंदर में भी वो पूर्ण परमात्मा है। कहाँ है जैसा ही उनका कहना हुआ, खंभ फाड़ करके जो है नृसिंह भगवान का अवतार हुआ, और जैसे उन्होंने मांगा, जब उन्होंने भक्ति करी और उन्होंने वरदान मांगा, तो भक्ति के रूप में क्या मांगा, वरदान मांगा, सिर्फ दुनिया के सुखों के लिए माना, जीव के कल्याण के लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तो जगत के सुखों के लिए मांगा, तो उन्होंने क्या मांगा कि कोई मेरा वध न करे, 12 महीना में हमारा कोई वध न करे, कोई रात और दिन में हमको कोई मार नहीं सके, कोई धरती पर हमको कोई मार नहीं सके, कोई पशु, इंसान, पक्षी आदि हमको कोई मार न सके। तो भगवान ने उन भक्तों के लिए बीच का रास्ता निकाला। वो एक ऐसे समय में प्रकट हुए कि नहीं तो वो सवेरे का वक्त था, नहीं संध्या का वक्त, दिन का था, न कोई रात्रि का था, वो एक ऐसे दोनों समय के संधि के अंदर में वो प्रकट होकर के नरसिंह रूप में, कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, कहा कि जानवर या इंसान हमको मार न सके। तो उन्होंने, भगवान ने उस भगत की रक्षा के लिए क्या किया, नरसिंह मुख तो सिंह का, बाकी शरीर इंसान का, नरसिंह अवतार के रूप में उन्होंने यत्न करके जो है प्रहलाद जी को बचाया, हिरण्यकश्यप का वध किया। कारण क्या था, वो इतना ताकतवान था, इतना बलशाली था, लेकिन बंधुओं उन्होंने कभी पुण्य उपार्जन नहीं किया, पुण्य उपार्जन नहीं करने के कारण धर्म ने उनका साथ नहीं दिया। इसलिए हमेशा महापुरुषों ने कहा, धर्मो रक्षति रक्षिते। आज का ये यत्न ही है पुण्य उपार्जन का बहुत बड़ा कार्य है। इतने लोगों को आज सदज्ञान मिल रहा है, इतने लोगों को महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का लाभ मिल रहा है, और तो और कितने लोगों को उन महापुरुषों की जयकार करने का अवसर मिल रहा, बताओ अपने को उन महापुरुषों की जय करने मात्र से भी कितने कितने पापों का क्षय हो जाता है और अपना मन प्रसन्न हो जाता है, मन का जो भाव है वो सुंदर हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब व्यक्ति भीतर के विकारों को हटाता है और निर्विकार की ओर अग्रसर हो जाता है, तो उन्होंने पहले क्या कहा, धर्म, इसके बाद में आया अर्थ। अर्थ